फ्रेंड्स, आज हम फिर आप लोगों के लिए एक नया मल्टीवेगर स्टॉक लेके आए हैं जो आने वाले समय में हमें अच्छे रिटर्न देगा। तो स्टॉक के बारे में जो पूरी फंडामेंटल रिपोर्ट है वो जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले, क्योंकि मैं रोज़ एक न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ नए स्ट्रेटजी के साथ। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सभी को मेरा धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज जिस के बारे में जानकारी दूंगा आप लोगों को, मैं एजुकेशनल पर्पज वीडियो बनाता हूँ और जो भी जानकारी मुझे मिलता है वो जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ। अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, सोचना आपको है और जिम्मेदारी आपका है। तो आज की जो स्टॉक है, स्टॉक का नाम है कैप्री ग्लोबल कैपिटल। ओके फ्रेंड्स, नाम है कैप्री ग्लोबल कैपिटल। तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को देते हैं, उसका जो है एक्चुअली उसका काम क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। देखिए, कंपनी जो है एसएमई लोन, फिर कंस्ट्रक्शंस लोन और अभी हाउसिंग फाइनेंस का जो लोन है उसमें जोड़ने वाले हैं। अभी कैपिटल कैप्री ग्लोबल कैपिटल जो है फ्रेंड्स 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और अभी ये एसएमई फाइनेंस एंड कंस्ट्रक्शंस फाइनेंस का काम कर रहा है, लोन का काम कर रहा है, लेकिन अभी आगे जाके जो इसमें हाउसिंग फाइनेंस का भी ऐड हो रहा है। कंपनी जो है 38 कंपनी का 38 ऑफिस है और कंपनी का सबसे ज़्यादा जो बिजनेस होती है वो गुजरात और महाराष्ट्र से बिजनेस होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को जो है आप लोग कैप्री ग्लोबल कैपिटल में चले जाइए। इस वेबसाइट में जाने के बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को दिखाएगा एसएमई अकाउंट फॉर 95% रजिस्टर्ड फार्म्स वर्ल्ड वाइड एंड इन इंडिया दे कंट्रीब्यूट 8% ऑफ जीडीपी। देखिए, कंपनी जो है कंट्रीब्यूट कर रही है 8% जीडीपी, अकाउंट फॉर 45% ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट एंड 40% ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट 60 MN पीपल। कंपनी जो है 60,000 से ज़्यादा जो एम्प्लॉय है उसमें रिक्रूट करवा रहा है। तो देखिए, इतनी बड़ी कंपनी है जिसका 38 ब्रांच है और कंपनी फाइनेंशियल का जो काम कर रहा है, अभी आगे जाके हाउसिंग फाइनेंस जो ऐड होने वाले हैं और कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस हो रहा है गुजरात और महाराष्ट्र से। तो इस साइट में अगर चले जाएंगे तो इसमें आपको पूरा जो डिटेल्स मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंस और एसएमई लोन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चले जाते हैं कंपनी जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसका फंडामेंटल रिपोर्ट क्या है। कंपनी के जो मार्केट कैपिटल है फ्रेंड्स, कंपनी का मार्केट कैपिटल है अभी 2,232 करोड़ का मार्केट कैपिटल है और कंपनी का जो स्टॉक पीई है वो 28.94 है और इंडस्ट्री पीई 32.67 है। कंपनी डिविडेंड यील्ड भी दे रहा है 0.24% और कंपनी का डेप्ट इक्विटी जो है 0.63, रिटर्न ऑन इक्विटी है 5.14%। ओके, और प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.8। कंपनी का जो अभी नेट सेल्स है वो है 82.89 करोड़। कंपनी का जो नेट सेल्स है 82.89 करोड़ है और कंपनी का अभी नेट प्रॉफिट जो है 27 करोड़ से ज़्यादा है कंपनी का नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब कंपनी का क्वालिटी देखते हैं फ्रेंड्स। कंपनी का जो क्वालिटी है एवरेज है और कंपनी का जो वैल्यूएशन है फेयर, यानी अभी जो प्राइस चल रहा है कंपनी का प्राइस है फ्रेंड्स, आज की डेट में कंपनी का प्राइस चल रहा है 126 रुपये का प्राइस चल रहा है, यानी फेयर है, अभी हम इसको बाय कर सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो वेरी पॉजिटिव, ठीक है, फाइनेंशियली ट्रेंड। चलिए अब आगे जाके जितने सारे आउटलुक है वो देख लेते हैं। देखिए, कंपनी का जो क्वालिटी है 839 कंपनी से यानी टोटल 839 स्टॉक में से कंपनी का जो रैंक है वो है 66 रैंक है। अगर साइज के बारे में बात करें 839 स्टॉक में से कंपनी का साइज है 40 और एफिशियंस के बारे में बात करें तो 839 कंपनी से कंपनी का जो रैंक है वो 73 है और कॉरपोरेट ग्रोथ जो है 839 में 45 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे जाके और फंडामेंटल रिपोर्ट जो है वो देख लेते हैं। वैल्यूएशन जो है कंपनी का फेयर है, ठीक है फ्रेंड्स, और एट्रैक्टिव जो प्राइस है 34-48 और एंड फेयर है 49-525 यानी 49 से लेकर 525 तक जो प्राइस है वो फेयर है, यानी हम अभी बाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी फेयर प्राइस है। अब नेक्स्ट जो फंडामेंटल जो है फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो वेरी पॉजिटिव है और कंपनी का जो स्कोर है वो 21 है। 839 स्टॉक में से कंपनी का स्कोर 21
वन कोर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो देखिए, कंपनी का जो वन ईयर रिटर्न है, देखिए वन ईयर रिटर्न कंपनी को मिल रहा है 87.43% रिटर्न मिल रहा है कंपनी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न कंपनी को मिल रहा है। अगर सितंबर 2017 के क्यू एंड क्यू रिपोर्ट अगर हम देखें तो कंपनी का जो नेट सेल्स है 82.89 करोड़ है, जो जून 2017 को कंपनी का 84 था, अभी कंपनी का 82.89 है, थोड़ा सा कम है, -1.33। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 53.92 है, इंटरेस्ट अगर देखें तो 21.61 है, जो ज़्यादा है पहले से। अब कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 27.65 करोड़ है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कंपनी का 65 करोड़ से ज़्यादा है कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट। हम हाफ ईयरली देखें तो हाफ ईयरली अगर हम रिपोर्ट देखें तो देखिए कंपनी का 150 करोड़ से ज़्यादा नेट सेल्स है, जो मार्च 2017 को 115 था, यानी अभी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट PBDIT अगर देखें तो पहले 64 करोड़ था, अभी 92 करोड़ है। इंटरेस्ट अगर 26 करोड़ था मार्च 2017 को, अभी 42 करोड़ है। ठीक है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है पहले जो 24 करोड़ था, अभी 51 करोड़ है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है फ्रेंड्स, हाफ ईयरली दिन दिन ग्रोथ कर रहा है कंपनी का, जो रिपोर्ट है जो दिन ब दिन ग्रोथ कर रहा है। अगर एनुअल रिजल्ट देखें तो मार्च 2016 को 169 करोड़ था नेट सेल्स, अभी 216 करोड़ है नेट सेल्स, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है 26.97%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 136.01% ग्रोथ हुआ है, 136% ग्रोथ हुआ है। इंटरेस्ट देखिए थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए मार्च 2016 को 11.78% था, लेकिन मार्च 2017 को 37.99% है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अगर देखें तो कंपनी का पहले 43.65 करोड़ प्रॉफिट था, अभी 58.12 करोड़ प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए ग्रोथ हुआ है, जहाँ पर 29 करोड़ था 16 को, अभी 2017 को 58 करोड़ है, जो एनुअल रिजल्ट है, यानी कंपनी जो हर तरीके से इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से फाइनेंशियल ट्रेंड जो है वेरी पॉजिटिव है। अगर हम मार्च 2017 के बारे में बात करें तो देखिए अगर कंपनी का लोन है तो वह 78.69 करोड़, यानी 79 करोड़ है करीबन। ठीक है फ्रेंड्स, और फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास 12.89 करोड़ है, और इन्वेस्टमेंट है कंपनी का 27 करोड़, और करंट एसेट है 340 करोड़, जो कंपनी के पास एसेट बहुत ज़्यादा है, और उसका जो लोन है, कर्जा है, डेब्ट है, वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो कंपनी फाइनेंशियली जो ट्रेंड है वेरी पॉजिटिव है और स्ट्रांग है, जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बाकी आउटलुक देख लेते हैं। जो प्रोमोटर है, शेयर होल्डिंग प्रोमोटर जो है 73.92% है, वो जो काफ़ी ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है तो काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 73 जो काफ़ी स्ट्रांग है। नॉन इंस्टीट्यूशन 17.02% है, FII जो है 9% है, और आधार जो है 0.01% है, तो ये काफ़ी स्ट्रांग है, जिसमें इन्वेस्ट करके रखे है डिलीवरी, जो प्रोमोटर काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आगे जाके हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो कंपनी का जो है अभी जो रेट है 126 चल रहा है प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स, 126, तो हमें एक साल में जो है कंपनी इसमें हम टारगेट लेके चल सकते हैं, 170 से 80 का टारगेट लेके जा सकते हैं अगले एक साल या डेढ़ साल में, हम इसमें 80 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, कंपनी का और कुछ आउटलुक देख लेते हैं, जानकारी पूरा ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करें, नेट सेल्स जो पहले 231 करोड़ था, अभी 268 करोड़ है नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां पर 137 करोड़ था, अभी 163 करोड़ है। इंटरेस्ट अगर देखें कंपनी का पहले 38 करोड़ था, अभी 68 करोड़ से ज़्यादा है, जो बहुत ही इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट अगर देखें जहाँ पर 57 करोड़ था, अभी 63 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 3.30 रुपये करके अर्निंग पर हो रहा है। अब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें 10 इयर्स का, जो 45.79% है, वो जो बहुत ही ज़्यादा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 33.57% है, ये भी काफ़ी ग्रोथ है। 10 इयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 12.48% है, तो इस हिसाब से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे जाकर भी